उत्तर प्रदेश के जाने माने न्यूज चैनल भारत समाचार और दैनिक समाचार पत्र पर छापेमारी के विरोध में जिला पीलीभीत में पत्रकारों में रोष देखने को मिला। बता दें कि सरकार से सवाल करने और समाज की आवाज उठाने का नतीजा दोनों मीडिया संस्थानों को भुगतना पड़ा, जिसके चलते सरकार ने डरकर मीडिया संस्थान पर छापेमारी करवा दी और इन दोनों मीडिया प्लेटफार्म के संपादकों को परेशान किया गया, जिसको लेकर सैकड़ों पत्रकारों ने इकट्ठा होकर आज सरकार को घेरा और तमाम नारों से कलेक्ट्रेट पीलीभीत गूंज उठा। प्रदर्शन के बाद पत्रकारों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आईटी ने और प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे हैं। ये बड़ा दुखद स्थिति है। इस बात को संकेत करती है कि सरकार जो लोग सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं उनसे किस हद तक डरी हुई है, क्योंकि भारत समाचार कोविड-19 में जिस तरह से लोगों के दुख दर्द और तकलीफों को उजागर कर रहा था, जिस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा था अपने करोड़ों दर्शकों के सामने, उससे सरकार भयभीत हो गई बुरी तरह से। ये इस बात का संकेत है कि भारत समाचार या भास्कर समूह जो कुछ भी लिख रहा था, जो कुछ दिखा रहा था, वही सच्चाई है। और इस भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह की जो परंपरा सरकार डाल रही है, ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और हम तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये गुजारिश करेंगे इस बात की कि पद और अधिकारों के दुरुपयोग की ये जो परंपरा योगी मोदी की सरकार ने शुरू की है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यही इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा को कायम रखने के लिए आवश्यक है और इसका आज हम सब लोगों ने यहाँ पर विरोध भी किया है। उत्तर प्रदेश संजीवी पत्रकार यूनियन इसकी कड़ी निंदा करती है और इसका कड़ा विरोध करती है। क्षेत्रीय अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ हुआ है, इसके चलते हुए पत्रकारों पर पूरे प्रदेश में जगह जगह हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पर FIR हो रही है, सरकार उसको अनसुना कर रही है। ने गरीबों की कोरोना में सरकार की अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी, इससे सरकार भयभीत हो गई, डर गई और इसी वजह से सरकार ने अपनी सरकारी जो एजेंसी उसका दुरुपयोग करके आईटी की छापेमारी करा दी। ये घोर निंदनीय है। इसकी पत्रकार सभी कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि जिस तरह सरकार पत्रकारों की लगातार आवाज़ दबाना चाहती है, अगर कोई न्यूज़ चैनल कोई अखबार गरीब की लाचार की अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अगर वो सरकार को लगता कि ये गलत है तो हम लोग उस आवाज़ को उठाते रहेंगे। हम लोग डरने वालों में से नहीं है और भारत समाचार हमेशा गरीबों के साथ था, न्याय के साथ था, सच के साथ था और आज भी सच के साथ खड़ा है। यहाँ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के मंडल अध्यक्ष निर्मल कांत शुक्ला और जिलाध्यक्ष सुधीर दीक्षित ने कहा, भारत समाचार निष्पक्ष और सच्ची खबरें चलाता है। कोरोना काल में भारत समाचार ने सरकार की अव्यवस्थाओं और फेल सिस्टम की पोल खोल दी, जिससे बौखलाई सरकार ने छापेमारी करवाई। सरकार को इस नाकामी की सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ दादस्तक 24 के बरेली मंडल संवाददाता और हिंदी मीडिया एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष रामगोपाल कुशवाहा ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने भी कहा कि हमारा न्यूज प्लेटफॉर्म भी स्वच्छ छवि वाला है, हम सच्ची मीडिया संस्थानों के साथ हैं। यहाँ पत्रकारों ने पीठ पत्रकारिता पर ध्यान देने की बात कही। आप देख रहे थे दादस्तक 24 की रिपोर्ट।